लालकुआ भाजपा वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बड़ी ही सादगी के साथ मनाई। साथ ही नगर के विभिन्न बूथों में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां और नीतियों का प्रचार किया। इस मौके पर भाजपा नेता ने तिलू रौतली पुरस्कार व वरिष्ठ साहित्यकार आशा शैली को शॉल उड़ाकर भी सम्मानित किया। यहां नगर के ज्वार नगर वार्ड नंबर 3 में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती उनके चित्र पर पुष्पांजलि व श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व नगर पंचायत पवन कुमार चौहान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों पर चलते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार गरीबों की मदद कर रही है। समाज के सभी वर्गों के लोगों के सम्मान के लिए सरकार काम कर रही है तथा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा सामाजिक समरसता और एकता पर बल दिया है, जिसके लिए समाज का हर व्यक्ति उनका सम्मान करता आ रहा है। वाजपेयी सबके सरदे, सबके माननीय, हर आदमी उनको नमन करता है। और भारतीय पार्टी कोई जन्म दिवस चाहे हमारे कोई नेता हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, कोई हो, इसको भव्य दिव्य रूप नहीं देती है। हमारी सोच है जो इनकी सोच के अनुसार हम लोग चलते हैं। हम जनता की सेवा कैसे हो, उनका मैसेज कैसे पहुंचे, हम लोगों को कैसे बता सकें, अटल जी के विचारों से हम लोग गरीबों की सेवा करें, यही हर बूथ में कार्यक्रम करने का प्रयास किया गया है। यहाँ भी अभी हम ये तीसरा चौथा कार्यक्रम हमारा है, तो हम कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी तब उनके बताए मार्ग पर चलकर गरीबों की सेवा करेंगे, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी रूप में मनाया जा रहा है, कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष चाहता है कि किसी तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का विरोध हो, कोई रास्ता मिले, और वो तरह तरह से हथकंडे जो अवांछित कार्य हैं, जो अवांछित लोग हैं, उनके कंधे पर बंदूक रख करके विपक्षी पार्टियां, मुख्यतः कांग्रेस, ये काम कर रही है। जब सरकार कह रही है कि हम लोग हर चीज़ का निवारण करने के लिए बैठे हैं, आइए बात करिए, तो वो कहते कि नहीं, पहले कहते थे कि इसमें संशोधन होना चाहिए, आज वो दूसरी बात पर आ गए, इसको हटा देना चाहिए ये। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार है, लोकतंत्र को जिंदा हम लोग रखे हुए हैं। ये कांग्रेस वाले हैं जो दंगे करवा देती है, जो कांग्रेस ने जब आंदोलन चल रहा था वहाँ रामदेव कार, उनका उन पर गोलियाँ चलवा दी, रात में लोगों ने भाग भाग के जान बचाई थी। हम उस नीति के लोग नहीं हैं, इसलिए हम उनको सहन कर रहे हैं।